इस समय हम आईटीसी ग्रैंड भारत होटल के बाहर हैं, जो ये मेन रोड है इस पर हैं। यहाँ पर 3 तारीख से 7 तारीख तक के लिए G20 जो सम्मेलन होना है उसके लिए विदेश से जो आए हुए मेहमान हैं उनकी बैठक यहां पर होनी है। यह बैठक 4 तारीख से 6 तारीख तक के लिए चलेगी और आज की बात करें आज से ही यहां पर विदेशी मेहमान आने शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो आईटीसी ग्रैंड भारत होटल है इसके यहां पर हम लोग खड़े हैं। आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में कि यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो किस तरह की तैयारियाँ हैं और आप देख सकते हैं कि यह होटल आईटीसी ग्रैंड भारत होटल है। होटल के बाहर के हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो भी आने जाने वाले व्यक्ति हैं सभी की अच्छे से तलाशी ली जा रही है। बैरिकेड लगा रखे हैं, बैरिकेड के द्वारा यहाँ से लोगों की तलाशी ली जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैरिकेड लगाकर लोगों की तलाशी ली जा रही है और इसके द्वारा हम आपको बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पर आईटीसी ग्रैंड भारत की जो चल रही है होटल है वो यहाँ पर मीटिंग चल रही है। मीटिंग के द्वारा ही यहाँ पर जो विदेशी मेहमान हैं वो आने शुरू हो गए हैं और ये विदेशी मेहमान यहाँ पर 3 तारीख से 7 तारीख तक के बीच में यहाँ पर रुकेंगे और 4 तारीख से 6 तारीख तक यहाँ पर विदेशी मेहमानों की जो बैठक है वह होनी है। यह नूह जिले के लिए एक खास मौका मिला है कि मेज़बानी करने का, कह सकते हैं कि नूह जिले को खास मौका मिला है मेज़बानी करने का। G20 जो सम्मेलन होने जा रहा है उसमें नूह जिले को मेज़बानी करने का खास मौका मिला है और कह सकते हैं कि जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं वह आपको देखने के मिलेंगे। यहाँ जो आईटीसी ग्रैंड भारत होटल है इसके अलावा लेमन ट्री होटल है वहाँ पर भी इसी तरीके के सुरक्षा के इंतजाम हैं क्योंकि जो विदेशी मेहमान हैं वो यहीं इन्हीं दो होटलों में आकर रुकने हैं और 9 तारीख से 10 तारीख के लिए जो दिल्ली में सम्मेलन होना है वो सम्मेलन की जो बैठक होनी है वो इन्हीं होटलों में होनी है।